रात किसे बोलते हैं? दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं? दिन किस वजह से होता है, रात किस वजह से होती है? समझ में आया? तो आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में कि दिन दिन पता है कैसे, क्या पता है बताओ दिन और रात के बारे में? अल्लाह ताला ने हर फजाइयत बनाई है, मतलब हम सुबह उठते हैं, नाश्ता आहार मुंह धुलते हैं, वॉश करते हैं, फिर टॉयलेट भी जाते हैं, आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जो काम होता है काम करते हैं। दिन और रात कैसे होता है, मैंने ये पूछा, इसके बारे में किसे पता है दिन और रात कैसे होता है? किसी ने पढ़ा है अपनी क्लास में, ट्यूशन में कहीं सुना है, वीडियो देखा है, कार्टून देखा है, दिन और रात कैसे होते हैं आप लोगों को पता है? बोलो। दिन रात किस वजह से होता है? रात सबको सोने के लिए होता है और दिन क्या है उसके वजह से। मैंने ये नहीं पूछा कि रात में आप क्या करते हो, दिन में आप क्या करते हो, मैं पूछ रही हूँ कि दिन कैसे होता है, रात कैसे। अभी दिन है, अचानक से अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, कैसे होता है? ये मतलब ऐसे, मतलब दोपहर का टाइम हल्का अंधेरा होता है, फिर और शाम हो गया अंधेरा, सुबह में अंधेरा होता है, वहाँ हल्का अंधेरा मतलब होता है, दोपहर में कितनी रोशनी रहती है, उजाला रहता है, पर सुबह उठो और भी रहता है। तो हम एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि दिन कैसे होता है और रात कैसे होती है, ठीक है? तो ये जो मैंने लिया हुआ है इसको मान लो आप लोग कुछ देर के लिए, ये क्या है आपकी दुनिया है, दुनिया कैसी है हमारी, गोल गोल थोड़ी सी झुकी हुई है इसी दुनिया, तो पूरी गोल नहीं है दुनिया हमारी, ठीक है? तो आप इसको मान लो कि क्या है आपकी दुनिया है, जहाँ हम रहते हैं इस दुनिया में ही, हमारे यहाँ पे भारत है, यहाँ पे अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, समझ में, एशिया है, हमारा भारत भी है एशिया में, ठीक है? ये हमारा भारत है, फिर भारत के अंदर यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, फिर मुंबई के अंदर हमारा मंडाल है, फिर मंडाल के अंदर हमारा घर है, फिर घर के अंदर हम लोग यहाँ बैठे हुए, समझ में आया? इसी दुनिया में सब लोग, अंग्रेज भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग, चाइना भी इधर ही है, कोरिया भी इधर ही है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, सारे लोग इधर किसी दुनिया में है, कोई अलग सी दुनिया नहीं है कि हम इंडिया की अलग दुनिया है, अमेरिका की अलग दुनिया है, ये एक ही दुनिया में सारे देश हैं, सारे लोग हैं हम, समझ में आया? इसी दुनिया में सारा समंदर है, नदी है, जंगल है, तालाब है, खेत है, सारे जानवर हैं, परिंदे हैं, समझा? ये हमारी क्या है, दुनिया है। और अगर मोबाइल की रोशनी हम चालू करेंगे तो वो हमारे सूरज का काम कर देगा रोशनी डालने के लिए, ठीक है? तो अभी आप ये ऐसे पकड़ो, इधर आ जाओ, अभी जो हमारी दुनिया है ना, हमारा अर्थ है ना जमीन, ये हमारी जमीन है, दुनिया नहीं, सॉरी, हमारी ये जमीन है, ठीक है? एक ही जमीन पर सारे लोग बसे, जिसे हम दुनिया भी बोलते हैं, कायनात भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, समझ में, पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है? तो अभी हमारी दुनिया ऐसी है, और ये है ना, ये आप टॉर्च पकड़ो, अभी ये ना ऐसे ना घूमती रहती है अपनी, देखो अपनी जगह पे भी घूमती रहती है, और साथ ही साथ ये अपने बीच में से सूरज को ले आओ, ये ऐसे 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 कर, आप सूरज नहीं घूमता है, सूरज अपनी जगह पे रहता है, ठीक है? जमीन का काम, जमीन क्या करती, घूमती है, जो जमीन घूम रही है ना इसको बोलते हैं जमीन की गर्दिश, गर्दिश यानी चक्कर लगाती है, एक तो कि अपने अपने जगह पे चक्कर लगा रही है, घूम रही है, और एक तो है वो पकड़ी है ना उसको यहीं रहने दो, एक तो है अपना चक्कर लगा रही है, और एक है ये सूरज का भी चक्कर लगाती है, देखो ये ऐसे 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 घूमते रहते। तो आप जब देखो ये जमीन जब घूम रही है तो आपको कुछ फर्क दिख रहा है? यस। आराम से देखो, अभी फिर से देखो, ये ऐसे ही तो यहाँ से पूरा अंधेरा आ रहा है, समझ लो ये ऐसे 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 ऐसे, अभी देखो ऐसे यहाँ पे अंधेरा करो, तुम लोग दोनों दोनों हाथ लगा के, दोनों हाथ लगाओ, अभी क्या दिख रहा है आपको? उजाला, इस तरफ उजाला, इस तरफ अंधेरा, जहाँ तरफ, जहाँ तरफ उजाला रहता है वहाँ माइक, ये हमारी जमीन है, हाँ ये सूरज है हमारा, अंधेरा करो बच्चों, चलो बोलो आपने क्या देखा? फिर एक तरफ उजाला है, एक तरफ अंधेरा,
सूरज डूबता भी है, सूरज की रोशनी की वजह से। सूरज डूबता नहीं है, जमीन चक्कर लगाती है। देखो जमीन चक्कर है, अभी यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, पूरे में उजाला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा, गर्मी होगी। जितनी ज्यादा ये ऐसे रहेगी, जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी, उतना ज्यादा उजाला होगा। अब जैसे जैसे घूमती रही देखो धीरे 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 इस हिस्से में अंधेरा आते जा रहा है ना, धीरे 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 धीरे। ये देखो जो उजाले में था हिस्सा वो अंधेरे में चला गया, और जो अंधेरे में था उजाले में गया। तो हमें ऐसे होता है, जो सूरज था, सूरज अपनी जगह पे, लेकिन जमीन घूम गई ना, तो जहाँ पर उजाला था वहाँ रात हो गई, वहाँ पे सूरज डूब गया हमें लगता है, और जहाँ अंधेरा था वहाँ सुबह हो गई। समझ में आया? और ये ऐसा पूरा एक दिन में 24 घंटे में पूरा अपना एक एक चक्कर लगाती है, सिर्फ अपना चक्कर लगाती है। समझ में आया? अपने एक इसकी वो है, तो वहां का पूरा एक चक्कर लगाती है। समझ में आया? कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में। और जब ये अर्थ हमारी यानी हमारी जमीन पूरा सूरज का चक्कर, एक पूरा सूरज का चक्कर लगा लेती है, तो उसको बोलते हैं एक साल, जिसमें जमीन को हमारी अर्थ को सूरज को पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। समझ में आया? जब वो अपना पूरा चक्कर लगाती है तब कितना घंटा लेती है? 24 घंटा, अपना 24 घंटा, तभी हमारे यहाँ 12 घंटे दिन और रात होता है। समझ में आया? और जब वो सूरज का पूरा चक्कर लगाती है तब क्या होता है, पूरा एक साल में लगाती है। एक साल में कितने दिन रहते हैं? 365 दिन, 12 महीने।